कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। साहब इस शहर में थे, आप लोग को याद होगा, गत वर्ष मई महीने में साहब काठमांडू गए थे और काठमांडू की यात्रा ही उनके सांसारिक जीवन की मस्ती में यात्रा थी। उसके बाद उन्होंने आज जी को यात्रा की नहीं। आपको काठमांडू से वैसे भी बहुत लगाव था, उसकी सबसे बड़ी वजह तो गुरु भाई गुरु बहनों का होना और पशुपतिनाथ का मंदिर। एक ऐसा देश है वैसे पूरी सृष्टि पशुपतिनाथ के की दया से की कृपा से चलती, यहाँ विशेष दृष्टि है। यहाँ पे अचानक ये बैठक करने का कोई हम लोग का उद्देश्य नहीं था, ना कोई दूर से हम लोग का यहाँ कोई कार्यक्रम था। संस्थागत कुछ कार्यों से यहाँ आना हुआ तो बाकी आप लोगों से भी मुलाकात हो जाए, कुछ महादेव की चर्चा हो जाएगी, कुछ आपसे सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। अभी सुमेंद्र जी ने कहा अपनों से अपनी बात, हम लोगों ने महादेव की बात की है अपने उस महादेव की जो पूरी सृष्टि में पूरी दुनिया में महेश्वर के नाम से, महादेव के नाम से, भोले बाबा के नाम से, सात नाम हजारों नाम है जाने जाते हैं और हजारों साल से उनकी पूजा होती आ रही है। हिंदुस्तान में नहीं, नेपाल में नहीं, दुनिया के कई एक देशों में महादेव की पूजा होती आई है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास के साक्षी है, गवाह है, इतिहास में पुस्तकों में महादेव की चर्चा है कि वो भगवान है, भगवान के रूप में पूजित है। लेकिन किताबों में तो महादेव के गुरु स्वरूप की भी चर्चा है। ये हम लोगों को पता नहीं था, क्या था तो हम लोग उस स्वरूप से जुड़ नहीं पा रहे थे। इतिहास ना पढ़ेंगे ये तो महादेव की चर्चा तो है ही, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, इतिहासकारों ने लिखा है, वेदों ने लिखा है, ऋषि मनीषियों ने लिखा है, बताया है महादेव के कई रूप हैं। हर एरा में हर युग में अलग अलग स्वरूप में अलग अलग रूप में उनकी पूजा होती आई है। आप किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा पड़ा है। लेकिन भगवान के रूप में उन्होंने हमको आपको वो सब दिया है जो हम आप उनसे चाह करते हैं, जो मांगते हैं, अपनी जो हम लोगों की मनोकामना होती है, हमारी जो कामना होती है उसके लिए हम आदेश को याद करते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, ले आए जहाँ कहीं भी हमारी आपकी आस्था होती है, हमारा मानते हैं उनसे अपने सांसारिक सुख और मिलता भी आया है आज तक। लेकिन शिव का वो स्वरूप जो हमारे आपके संज्ञान में नहीं था, हमारे आपकी जानकारी में नहीं था, कुछ लोगों की जानकारी में था ही, उन लोगों ने अपने तक ही इसको रखा। जैसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो महादेव गुरु होते हैं, गुरु का काम करते हैं,
और कुछ लोग उनके शिष्य हैं, उनकी लिस्ट है, उनके शिष्यों की सूची है शिव पुराण में, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। यदि वो किताबों तक ही सीमित था, हमारे आपके नॉलेज में नहीं था कि महादेव गुरु है, हम लोग तो नहीं जानते थे। आप लोगों में से किसान बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि शिव गुरु का भी नाम करते हैं, जगत गुरु है, जगत गुरु सुनते तो आए थे तो कि जगत गुरु कहा जाता है उनको। तो शिव जगत गुरु हैं और उसका काम भी करते हैं वो गुरु का। ये उन लोगों ने अपने तक रखा जिनकी लिस्ट उसके साथ में है। साहब ने 30 साल 35 साल अपने जीवन के एक सही गुरु की तलाश में लगाए, बचपन से लेकर के जब तक उनको उनकी तलाश समाप्त नहीं हुई तब तक वो कभी स्मशान जाते, कभी तांत्रिकों के साथ रहते, कभी औगणों के साथ रहते, कभी शारीरिक गुरुओं के साथ रहते, कई एक शारीरिक गुरुओं के साथ उन्होंने समय बिताए हैं। लेकिन उनको हासिल किया हुआ इतने सालों में जिस चीज की तलाश थी वो तो नहीं मिला उनको। मिला क्या उनको? उन्होंने लिखा है कई जगह, ठगी धोखा अविश्वास अंधविश्वास, कई आर्टिकल उन्होंने साहब ने लिखे हैं, पुस्तक में भी उन्होंने कई जगह लिखा है, जिसने भी पढ़ी होगी वो किताब उसने जरूर पढ़ा होगा इन चीजों को। लेकिन सन 1974 में जब साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया, जब उनको अनुभूतियां आनी शुरू हुई, उसके बाद भी साहब ने कई एक वर्ष तक, कई एक सालों तक किसी और को नहीं कहा कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं। इतने वर्षों तक उन्होंने अपने ऊपर ही इसका प्रयोग किया कि भाई महादेव सही में गुरु का काम करते भी हैं या नहीं। तो साहब तो कमरे के अंदर ही महादेव को गुरु मान के अपना ही प्रयोग कर रहे थे, कई सालों तक किया साहब ने भी, और हम लोग भी देखते थे जो साहब घर में करते थे बाहर कमरे के बाहर, लोगों को उन्होंने कभी कहा ही नहीं कई सालों तक कि तुम मना लो शिव गुरु, माने गुरु का भी काम करते हैं, ये तरीका है बनाने का। क्योंकि उनको अभी भी डर था कि हो सकता है मैं किसी ऐसे भ्रम जाल में हूं जो उचित नहीं है, कहीं कोई इसका गलत फायदा न उठा ले, कहीं कोई लोग बेवकूफ न बना ले, या कोई मुझे तो बेवकूफ नहीं मान रहा महादेव के नाम पर। लेकिन कालांतर में साहब को अनुभूतियां आनी शुरू हुई थी, उनको लगा जैसे उनको कोई कह रहा है। कि जो तुम करते हो वो कहते नहीं, जो तुम करते हो वो कहते नहीं। तो साहब तो यही करते थे, महादेव को गुरु बनाया था, उन्हीं से अपना एक गुरु चेला वाला जो रिश्ता साहब ने बनाया वो नहीं, मेरे पास तो इसके अलावा कुछ है। तो उसी को फिर साहब ने कहा ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे हासिल हो रहा है, जिस तरीके से मैंने शिव को पकड़ा है, जिस तरीके से उसके गुरु स्वरूप से मेरा जुड़ाव हुआ है, ये तरीका अन्य लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज से पहले तो अन्य शिव शिष्यों ने जनमानस को ये बताया ही नहीं कि शिव गुरु का भी काम करते हैं, खुद उसके चेला हो गए, अपने कुछ चेलों को भी उनका चेला बना दिया। लेकिन जनमानस को, सामान्य इंसान को, जिसको उतना ही अधिकार है महादेव को गुरु बनाने का जितना कि हमको है, आपको है, या किसी को है,
उसको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। जानकारी नहीं, ये काम होना चाहिए, लोगों तक ये बात जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। फिर साहब ने लोगों को बताना सुन के कमरे से बाहर निकले और लोगों को छोटी छोटी टुकड़ी बना के साहब ने लोगों को बताना शुरू किया कि देखो महादेव गुरु का काम करते हैं, ये है ये है ये है। फिर कई जगह ये प्रश्न भी आ रहा था, महादेव का गुरु तो महादेव तो गुरु का काम करते हैं, इसमें न्याय क्या है? बहुत लोग का ये प्रश्न था, हाँ गुरु का काम करते लेकिन इसमें न्याय क्या है, हम क्या करें? इसका सीधा सा लॉजिक है, महादेव गुरु का काम करते हैं, जो कोई स्कूल बहुत बढ़िया है तो उसमें विद्यार्थी ना हो तो उस स्कूल को बढ़िया है कि खराब आकलन कैसे होगा किसी स्कूल का? ऐसा कोई छात्र ना हो पूरे स्कूल में तो उसका आकलन कैसे होगा कि स्कूल अच्छा है या खराब है? उसके तेलुगू से लेना पड़ेगा हमको। तो साहब ने कहा कि ठीक है आप जुड़ के तो देखिए इसे महादेव से भगवान के रूप में हमारा मानी रहे, वो करते रहे, जो आप कर रहे हैं उसमें साहब ने कहा कि कोई रुकावट नहीं, आप जिसकी पूजा करते हैं जैसे करते हैं, आप क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जाति से हैं, कोई वर्जना साहब ने कहा कि नहीं, शिव की शिष्यता में कोई वर्जना नहीं होगी। हर वो इंसान जो धरती पर आए वो ये पात्रता रखता है कि वो महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सके, क्योंकि सृष्टि उनकी बनाई हुई है, सृष्टि में रहने वाले जीव उनके बनाए हुए, तो हमको आपको उनसे जुड़ने के लिए कोई बंधन तो रोक नहीं सकते। राजी बंधन किस बात का, महादेव तो सबका है और भगवान के रूप में सबका है, गुरु के रूप में भी सबका है, भगवान के रूप में हमको आपको वो सब चीजें दे सकता है, तो गुरु के रूप में ज्ञान भी दे सकता है, आध्यात्मिक और सांसारिक दो तरह के ज्ञान सामान्य जीवन में होते हैं। सांसारिक ज्ञान तो हमको आपको घर में मिलता है, स्कूल में मिलता है, दोस्तों से मिलता है, भाई बहनों में मिलता है, कैसे करना है दुनिया में, कैसे काम करना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे काम करना है। तो सांसारिक ज्ञान को शिक्षक दे देते हैं, माता पिता दे देते हैं, कॉलेज स्कूल में मिल जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, कौन देगा इसके लिए, कौन व्यक्ति जिम्मेवार है जो हमारा आध्यात्मिक उन्नयन करेगा? कभी हम लोगों ने इस पर सोचा है? दुनिया का सारा काम तो हम लोग करते हैं, गुरु का मंत्र अध्यात्म तो है ही ना, आप देखिए शारीरिक गुरु की धर्मा है पूरे देश की पूरी दुनिया में है, हर धर्म में है, सांसारिक गुरु है ना, शारीरिक गुरु भी है जो हमको आपको कह रहे हैं कि हम आपको भगवान से मिलाएंगे, वो भी भगवान से ही मिलाने की बात करते हैं, वो भी शिव से ही मिलाने की बात करते हैं। साहब ने कहा कि बस हमको किसी के माध्यम से नहीं जाना, ये हमारे 40 साल का निचोड़ है, ये 3 सूत्र इसको आप करिए, आप स्वयं अपना जुड़ाव अपने गुरु से करिए, हमारे आपके बीच में गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई नहीं। माध्यम आपने बताया, तरीका बताया, रास्ता बताया, हर इस पे चलते चलना है और कुछ करना नहीं है। आप गुरु से जुड़ोगे इस भाव आप जब तक नहीं स्थायी करेंगे अपना, तब तक जुड़ाव तो होगा नहीं, तो उसके लिए साहब ने 3 सूत्र दिए, इन 3 सूत्र के माध्यम से आपका ये स्थायी होगा, तो उन 3 सूत्र के माध्यम से आप वहां तक पहुंच पाएंगे, उसी 3 सूत्र के माध्यम से अन्य लोगों को भी आप अपने शिव से जोड़ पाएंगे, उनके गुरु समूह से जोड़ पाएंगे। ये सारी चीजें उसी 3 सूत्र में निहित है, इतनी भी प्रक्रिया है। साहब ने कहा कि प्रयास करके देखो, जुड़ के देखो, कोई दीक्षा तो मिली नहीं, कोई कह तो नहीं रहा आपको काम पूछना है,
या कोई कैश भी आए चाहिए आपको हम बताएंगे, पैसे लेंगे न, पैसे लेने हैं न देने हैं, न दीक्षा लेनी है न देनी है, कुछ तो नहीं करना है, घर बैठे कर सकते हैं, रोड सड़क पे चलते कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे कर सकते हैं, आप जहाँ कार्यस्थल है आपका वहाँ कर सकते हैं, दानिया करके देखो, फिर आकलन करो, फिर अनुभूत करो कि क्या परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। पहले साहब हमसे लिखते थे टुक टुक कैसे जजबा की जाए, मतलब आप करके देखिए, इसके बाद क्या परिणाम आते हैं उस पर आकलन करिए कि महादेव गुरु का काम करते हैं या नहीं करते हैं। करना क्या है साहब ने बताया, वही तीन काम करने हैं। आपने देखा होगा अमूमन लोग कहता है कि उसका चेहरा है वो, उसने उसको गुरु बनाएगा, तो अमूमन आकलन इंसानों का ऐसे से होता है। लोग कहते हैं किसी आदमी को देखना है अगर उसका अपने माता पिता के प्रति व्यवहार देख लो आपको उसके चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। ठीक इसी तरह शिष्य को भी देख के अंदाजा लगता है कि किस गुरु का चेहरा है। तो जब हमारे आपके पास विश्व का पूरे ब्रह्मांड का पूरे जगत का सबसे बड़ा गुरु उपलब्ध है बगैर किसी शुल्क के, कोई पैसे तो वहां लगते नहीं, कोई वहां तक जाने के लिए 10,000 साल साधना भी नहीं करनी होती, हमारी अपनी आयु भी नहीं, जब जगत गुरु की उपलब्धता हमारे आपके पास है सबसे बढ़िया गुरु, तो हम उसी पे क्यों नहीं करेंगे, साथ में हमको उसी पे अटेम्प्ट करना है, हमको उसी के पास जाना है, हम बीच में कहेंगे जब सबसे बड़ा गुरु हमारे लिए उपलब्ध है, भगवान के रूप में भी सबसे बड़ा है वो, गुरु के रूप में भी सबसे बड़ा है, तो हम वहीं जाएंगे, उनसे ही कहेंगे, उनसे ही जुड़ेंगे, उनसे ही जुड़ने और उनसे बोलने के लिए साहब ने हमें बता दिया, दीदी ने बता दिया कि ये आपको और वो करना है। उपलब्धता जगत गुरु की है, हमको सबसे बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिल रहा है तो दूसरे स्कूल में हम क्यों जाएंगे, पैसे मुझे यहाँ भी नहीं लगने, कुछ नया तो किया नहीं साहब ने। उस महादेव को, महादेव के उस स्वरूप को जो किताबों में बंद था, हम हमारे आपके बीच लेकर आए पिछले 40 वर्षों से, जब से मैंने हो संभाला है मैं तो देख रहा हूँ साहब को ये करते हुए, जब मैं छोटा था तब भी मैंने देखा, बड़ा हुआ धीरे धीरे तब भी देखा, आज भी अब साहब तेरी शरीर में नहीं है लेकिन महसूस तो होते हुए अनुभूत तो होता ही है। हर आदमी की अपनी अपनी अनुभूतियां हैं, किसी की महादेव के लेकर को लेकर है, किसी की साहब दीदी को लेकर है, इसी तरह हमारी भी अपनी है, और आप जैसा लाभ महसूस करेंगे अनुभूतियां भी वैसी ही होंगी। ठीक उसी तरह जैसा गुरु बनाएंगे अनुभूतियां भी वैसी ही होंगी। आपने केरल मास्टर को गुरु बनाएंगे तो आपकी अनुभूतियां केरल वाली होंगी। इसका अर्थ यही है कि आप जैसा गुरु बनाएंगे आपकी चीजें परिणाम कर सकते, जैसा आपने कहा कि महादेव तो उसमें बड़ा परिणाम भी वैसा ही होगा। कहा जाता है कि गुरु अपने चेला को अपनी तरह बनाता है और परिलक्षित होकर, अगर आपने महादेव की परिधि में रहकर आपने और हमने काम किया है, 24 घंटा में एक बार भी साहब को कहते हैं एक बार कर लो यार, 24 घंटे में एक बार कर लो, जितनी देर करेंगे उतनी देर महादेव की परिधि में हमारा आपका मन ना हमारा आपका दिमाग रहेगा उतना ही काफी है। हमारे आपके पास इतना भी समय नहीं निकल पा रहा है, हम और आप अगर अपने गुरु के प्रति इतनी छोटी सी जो प्रक्रिया है वो नहीं अपना पाएंगे तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान का हमारे आपके अंदर जो जादू भाव है वो कहाँ से है।
तो प्रयास तो हमको आपको ही करना है, हमारा आपका मन करेगा जो है। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना अगर बहुत आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। खास करके वैसी जगह के लोग हैं आप लोग, यहाँ पशुपतिनाथ बहुत विराजमान है। यहाँ के लोग वैसे भी धार्मिक है। मैं भी नेपाल की पूरी यात्रा 4-5 दिनों से कर रहा हूँ, 6 दिनों से लगातार। पर हर जगह लोगों ने महादेव के नाम पे, उनकी चर्चा के नाम पे एक जुड़ाव जो लोगों का, ये अद्भुत है। नेपाल की इस तरह की यात्रा मेरी पहली बार है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया करेंगे। महादेव के प्रति जुड़ाव जो है इस प्रदेश के लोगों का, ये जीव में है, जेनेटिक्स है यहाँ का। साहब ने कहा कि उसी महादेव की बात करो जो आपके हमारे जीव में है, और अलग से आपके इंस्टॉल करना नहीं है सॉफ्टवेयर को, ये हमारे आपका करना नहीं है। उसी महादेव की पूजा करो, उसी को गुरु भी बनाना। एक ही इंसान है, एक ही भगवान है, जो कई रूपों में हमारे आपके समक्ष है। एक ही इंसान जैसे मतलब पिता होता है किसी का, किसी स्कूल में शिक्षक भी होता है, किसी का मामा भी होता है, किसी का चाचा भी होता है, उसके कई स्वरूप कई रूप है। तो महादेव का एक रूप गुरु का भी है, भगवान के रूप में वो कृपा करते हैं, हम लोग को हर सारिक्षा से जुड़ी चीजें देते हैं। गुरु के रूप में वो आध्यात्मिक रूप से ज्ञान देंगे हमको आपको, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अगर हमको आपको नहीं मिलेगा तो उस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना बाकी जो चीजें हैं वो आपके लिए खतरनाक साबित होंगी। आध्यात्मिक चीजें आपने शिष्य अनुभूति साहब के लिए पढ़ी होगी, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है शिष्य भाव की, शिष्य भाव की शिखर की तलहटी में आपके संपूर्ण संकीर्तन विरोहित हो जाते हैं। संकीर्तन मतलब मन का विकास जो दिमाग में हमारे है। आप किसी शिक्षक के पास जाएंगे तो क्या काम करता है, आपके अंदर जो खूबियां हैं उसको निकाल के बाहर लाए। इंसान के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, इंसानियत सबसे बड़ी बात है। आध्यात्मिक गुरु एक आदमी के अंदर का जीव जो है, जीव का शिव में परिवर्तन होना आध्यात्मिक गुरु यही करेगा। क्या करेगा आध्यात्मिक गुरु, हमको आपको क्रिकेट खेलना तो सिखाएगा। जीव का शिव होना ही परिवर्तन, ही एक प्रक्रिया है। यही आदमी का जीवन का सर्वोत्तम पक्ष जो है, कोई इंसान नहीं भगवान का स्वरूप है, उसका वो स्वरूप जो हमारा भूल गए हैं उसको गुरु उजागर करते हैं और बताते हैं कि तुम जो हो यही हो। तुमको हमको हमारा गुरु रास्ता दिखाता है और बताता है तुम किस रास्ते पर चलो, तुमको तुम्हारे लिए परिवर्तन आए। तो सर्वोत्तम पक्ष निकालने का यही आध्यात्मिक गुरु का महत्व होता है कि जीव के अंदर जो शिव छिपा है उसको बाहर निकाल दिया जाए और गुरु वही है। महादेव के करीब मन कैसे जाएगा, अभी तो हम लोगों ने बताया महादेव के करीब मन कैसे जाएगा, 3 सूत्र के ही माध्यम है। शिव के गुरु स्वरूप के करीब जाने का, उनसे जुड़ाव का यही 3 सूत्र माध्यम है। इसमें लोग कई लोगों के लिए प्रश्न आता है कि भैया ये हमसे हो नहीं पाता है, नमः शिवाय करने बैठते हैं मन भटक जाता है, ध्यान उधर चला जाता है। एक चीज ध्यान दीजिए, 3 सूत्र में 2 सूत्र ऐसे हैं जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, नमन हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, दया भी हम अपने लिए मानते हैं। एक सूत्र में चर्चा करना, लोगों को बताना, यही है जो दूसरे के लिए हम करते हैं। नहीं होने के कई कारण होते हैं। साहब ने कहा कि ठीक है 24 घंटे में तुमको नमः शिवाय 108 बार नहीं कर पाते। उन्होंने इतना आसान इस पद्धति को किया इस शिष्यता को कि कोई भी जुड़ सकता था। ठीक है साहब ने कहा कि 5 बार टुकड़ों में करो, 108 बार नमः शिवाय नहीं कर पाते हो
दस बार में करो, कहीं बैठे हो दस बार नमः शिवाय कर लिया, कहीं जा रहे कर लिया, रूम में है कर लिया, कहीं बैठे हैं कर लिया, टुकड़ों में करो और धीरे धीरे ये प्रयास जारी रखो, ये चीज़ें हो जाएंगी। वो जो आप साहब ने धर्म को इतना सरल कर दिया है कि कुछ भी कठिन जैसा इसमें नहीं, और करेगा तो मन, बाकी काम तो मन आपका करता है, तो मन को उस मानसिक स्थिति में लाना पड़ेगा, मन ही आपका पकड़ेगा ना, मन ही आपका समझेगा और मन ही करेगा। तो सामने का टुकड़ों में कर दिया, तीन सूत्री एकमात्र माध्यम है, वो भी अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी टुकड़ों में करके छोटा छोटा कर दीजिए, स्टेप बाई स्टेप कर दीजिए, हो जाएगा। नहीं होने जैसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीर किशोर सिंह है, उनकी जिज्ञासा है, सिर गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कौन होता है? सिर गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कौन होगा? कोई नहीं, सांस होगा। गुरु चेला के बीच में कौन होता है? साहब ने साहब की चर्चाएं अगर आपने सुनी होंगी तो उन्होंने कई बार बसे कहा है कि मैंने आपका को रास्ता बताया है, रास्ता दिखाया है, मुझको पकड़ के मत बैठो। गुरु और चेला के बीच में कोई नहीं है। अगर कोई कहता है अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करता है तो वो आदमी महादेव का चेला तो नहीं है और साहब जी के उद्देश्य पे चलने की मानसिकता में भी नजर नहीं आ रहा है। महादेव और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं है, साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, साहब ने हमें रास्ता दिखाया है, साहब हमारी सोच में है लेकिन बीच में नहीं है। साहब ने कभी अपने आप को बीच में नहीं रखा, कोई बीच में नहीं है। गुरु चेला के बीच में कौन रहेगा? एक और जिज्ञासा है, अपनी दुकान चलाता है, मैं इससे अनभिज्ञ रहने का विवश था, कतिपय स्थानों के लोग मेरे मना करने का संवाद भेजने के बावजूद अपने मन को करने की आमादा थे और है भी, साहब ने इस वाक में क्या लिखे हैं भाव समझाने का कृपा करें। और जिसने ने लिखा है उसने उन शब्दों को निकाल दिया, पूरा वो चैप्टर नहीं पढ़ा उसने, इसका उत्तर उसी चैप्टर में है जिस चैप्टर से आपने ये निकाला। तो इस पुस्तक में उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, उस शब्द का अर्थ मालूम हो जाएगा। साहब ने अपना दर्द व्यक्त किया है, किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, किस तरह के लोगों से उनका वास्ता पड़ रहा है, आगे भी पढ़ेगा, पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा है। लेकिन साहब उस पुस्तक में निचोड़ साहब का यही है, किसी भी किसी तरह रुकने वाली नहीं है, ये यात्रा है, अनंत है, हजारों असंख्य वर्षों तक चलती रहेगी, क्योंकि इंसान धरती पर आया है तो जाएगा, जो आएगा तो फिर आएगा, और हर इंसान को उस महादेव से जोड़ देना है, उसके गुरु स्वरूप से जोड़ देना है। साहब जी की यही जो है अंत समय तक सारे शरीर छोड़ने के समय भी साहब और दीदी के दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि दोनों समय हम लोगों ने साथ बिताया है उनके, तो उनका उद्देश्य यही है कि हर एक इंसान को जन जन को उस महादेव से जोड़ देना है, उसके उस स्वरूप से जोड़ देना है जिससे आज तक पूरी सृष्टि जो है वंचित रही है, जोड़ने का काम करना है और लोगों को भी प्रेरित करना है। हमको आपको इस यात्रा को अपनी यात्रा समझ लेनी है, इसको आगे बढ़ाना है, अपने महादेव का काम करना, तो दूसरा महादेव तो है ही, हम उसी महादेव के का काम करना है जो हमारे घरों में पहले से है, हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, बस से बस उसके गुरु स्वरूप को अपने दिमाग के साथ साथ दूसरे के दिमाग में भी बिठा देना है। और कुछ नहीं है, वैसे और भी जिज्ञासा है इन्हीं सब बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक अलग है। हमने सुना है कि साहब जी का समाधि बनने की बात चल रही है, ये बात चल रही है तो ये रूढ़िवादी नहीं है? रूढ़िवादी होने खराब है क्या?
जिंदगी में जो चीजें खराब है उसको अलग कीजिए। किसी भी चीज का कोई बात समाज स्तर की नहीं, कोई भी बुरी वाली काम अगर वो समाज को नुकसान पहुंचा है तो उसको रोका जाना चाहिए। जैसा आप लोगों को याद होगा पहले हिंदू धर्म में एक सती प्रथा का हुआ करता था, जिसे देखा होगा सती प्रथा, जब महिलाएं पुरुष पति के मर जाता था तो उसके साथ किताबें जल जाती थी, जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा या कक्षाएं पढ़ी होंगी। राजा राममोहन राय एक बहुत बड़े सामाजिक चिंतक थे, उन्होंने इस प्रथा को दूर किया, नहीं ये गलत है आप ऐसा नहीं करते, प्रथा हटी, रूढ़ी वाली थी गलत थी। बुरी बात तो बुरी नहीं है, बुरी बात तो जो वैसी चीजें बुरी हैं जो समाज के लिए नुकसानदेह। दूसरी बात रही समाज स्तर की बात, तो ये अपना अपना विचार है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं बनना चाहिए, कोई लॉजिक दे हमें बताए क्यों नहीं बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। ये तो इतिहास में है, आज तक इतिहास के जितने संत महात्मा पुरुष हुए हैं उनका बना है, बनता आया है, बन रहा है। कोई मैं अकेला नहीं हूँ, हिंदू में हूँ या हूँ, मुसलमानों में हूँ, क्रिश्चियनों में हूँ, सब में संत महापुरुष या ऐसे जिनके लोग फॉलोअर्स हैं या अनुयायी हैं उनकी समाधियाँ बनती आई हैं, बन भी रही हैं हजारों हजारों साल से हैं। पूरी दुनिया की 6 अरब आबादी में कोई एक ऐसी बताएं जहाँ पे संतों की समाधियाँ ना हो। और जहाँ तक साहब का सवाल है, साहब के बारे में प्रश्न करता कितना जानते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पुत्र होने के नाते मैं इतना जरूर जानता हूँ कि साहब को मंदिरों से मजारों से बड़ा लगाव था। साहब के साथ किसने यात्रा आप लोगों ने किया ही नहीं मुझे नहीं पता, मैंने हजारों यात्राएं की हैं जहाँ भी वो जाते थे लगभग एक हफ्ते में गया हूँ उनके साथ। साहब कहते थे कि समाधियों में साधु की ऊर्जा रहती है, संतों की ऊर्जा रहती है, वहाँ जाया जाए। साहब बनारस जाते थे तो कभी मंदिर न्याय जाना है कीनाराम बाबा के समाधि पे जरूर जाते थे, उड़ीसा जाए तो गोतखपुरी के समाधि पर जरूर जाते थे। तो उनका समाधियों के प्रति एक बड़ा सम्मान था, तो सवाल ये हम लोग के मन में भी है। उसके पीछे विचार है कि जहाँ साधु की समाधि होती है वहाँ एक ऊर्जा होती है साधु की। एक सिंपल सी बात, हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होता है, नहीं आते हैं किसी के अंदर जो मंदिर के अंदर जाएगा और मंदिर के बाद दोनों जगह की मानसिक परिस्थिति में आके फर्क हो जाएगा। मंदिर में प्रवेश करते ही आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाएगी, अलग तरह की समझ भी चेंज होगी, अलग तरह की सोच हो जाएगी, आप एक उसी दुनिया में आ जाएंगे। तो स्थान का प्रभाव पड़ा है, पशुपतियां कहाँ नहीं है, पूरी सृष्टि उनकी है, तो पूरी दुनिया में ना वो है, तो पूरी दुनिया में वो कोई ऐसी जगह बता दी जहां महादेव नहीं है तो ऐसी जगह। लेकिन बकायदा हम मंदिर में जाते हैं तो अनुभूति अलग होता है, जो स्थान का महत्व होता है। और समाधि का समाधि स्थल का तो एक महत्व है, एक उस इंसान की ऊर्जा रूढ़ी बात तक मेरी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में हमको जो लगता है ये एक व्यक्तिगत राय है और ये मेरी व्यक्तिगत सोच भी है, मेरा मानना है कि महादेव मेरे वो गुरु मेरे। हमको आपको महादेव से जोड़ा किसने, किसने जोड़ा इस स्वरूप से, किसे गुरु स्वरूप से किसने जोड़ा, साहब ने जोड़ा ना। उसके बाद हम तो आप नहीं जानते थे कि महादेव गुरु का काम करते हैं, जानते भी थे तो हम लोग जुड़ नहीं पाए थे। गुरु हमारे महादेव, बताने वाले साहब, तो साहब हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं।